बिरहिन बिरहिन हिन बिर बिरहिन हिन बिरहिन ओदी ओदी ओ दी ओ दी द द लाकड़ी लाकड़ी सकुचे कॉमा कॉमा सकुचे सकुचे और धुधु आए अगली लाइन छूट पड़े या विरह से मामा पूरी ही जरी जाए थोड़ा समझदार है। बोनफायर करिए बोनफायर में जो लकड़ी डालते हो अगर वो गीली हो तो क्या होता है आवाज आती है धुआं देती है जम के। अब जब धुआं दे रही है तो साथ में थोड़ा थोड़ा जल भी रही है वरना जले बिना जले धुआं नहीं दे सकती पर पूरी तरह जलती भी नहीं है वो बहुत देर तक धुआं देती है बड़ा गंदा धुआं होता है गीली लकड़ी का धुआं आँख में लगता है। कबीर कह रहे हैं कि जैसे गीली लकड़ी होती है ना जलना तो उसको पड़ेगा पर वो जलने को तैयार नहीं है इसीलिए जो काम उसका 5 मिनट में होता कि जल के ख़त्म हो जाती 5 घंटे तक वो सकुचाती रहेगी सिर्फ धुधकती रहेगी सहती रहेगी। कबीर कह रहे हैं बिरहिन बिरहिन मतलब जो अपने आप से जो अपनी एसेंस से अलग है विरह है जिसको विरह माने सेपरेशन बिरहिन मतलब जो सेपरेशन में है जो अपनी ही एसेंस से दूर है जो अपने ही से करीब नहीं है ओदी माने गीली लाकड़ी मतलब लकड़ी तो वो कह रहे हैं कि अरे तू अपने आप से ही दूर है उन्होंने उसका इशारा किया है प्रतीक है इशारा इंसान की ओर है पानी उसका अहंकार है ईगो है कह रहे हैं कि तू अपने आप से ही दूर है इसीलिए तू इतना सकुचाता रहता है और इसी कारण बस धुधुआता है धुधुआता माने धुआं दे रहा है क्योंकि तू हेजिटेट बहुत कर रहा है कूद जा छूट पड़े या विरह से इस विरह से तुझे मुक्ति मिल जाएगी अगर तू पूरी ही जल जा कह रहे जलना तो तुझे पड़ेगा तू जल जा पूरी तरह से तू क्यों रेजिस्ट कर रही है ना कर रेजिस्ट जल जा प्रतिरोध छोड़ हो जा पूरा जल जा हमें जलना पड़ेगा अब कह रहे ना बर्बाद होना इसी पे लिखो अगला जिन डूबा तिन पाइया जो डूबता है वही पाता है जिन डूबा तिन पाइया जिन डूबा तिन पाइया इसी का दूसरा वर्जन कहता है जिन खोजा पर ये भी चलता है जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैठ जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैठ जो बौरा अगली लाइन जो बौरा
बोरा बोरा बावरा पागल जो बोरा डूबन डरा डूबने से डरा जो बोरा डूबन डरा कॉमा रहा किनारे बैठ क्या अर्थ है इसका जो कूद पड़ा उसे मिल गया और जो बाहर बैठा है डर बस बैठे रहे उसके नाम में सर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं सर उसके नाम में हाथ का काम है नहीं सर वो भी उससे चीज अच्छी है आप कितना हिजा हो गया बात समझ में आ रही है यस सर तो डूब जाओ मर जाओ नहीं और क्लियर कर देता हूँ लिखो मरण मरण सब करें ताकि तुम्हें कोई शक न रह जाए कि डूबने का अर्थ क्या है मरण मरण सब करें मरण न जाने कोई बात करते हो पर तुम्हें मरना आता नहीं है मरने का मतलब नहीं है देखो मरण मरण सब करें मरण न जाने कोई मैं कबीरा ऐसा मरा मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए तो ऐसा मरो दूसरा जन्म कि अब उसके आगे दोबारा जो मरा है उसके उठने कोई गुंजाइश ही न रहे कौन मरा है कौन मर सकता है तो। वही जिसे जिंदा होने का भ्रम है कौन वही मर सकता है जिसको लगता है कि मैं पैदा हुआ हूँ तो बातें तो तुम करते हो कि मर जाएंगे पर तुम्हें मरने का कुछ नहीं पता हाँ तो। तुम मर के तो देखो बहुत मजा आएगा लिखो फिर लिखो लिखो सर लिखो लिखो अभी मजे लिखो तुम एक ही मरना जानते हो कि शरीर जल गया एक मरना दूसरा भी होता है लिखो मरो हे जोगी मरो मरे मरो मरो हे जोगी मरो मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा अरे समझो ना ये किस मरने की बात हो रही है वैसे नहीं मरते उनको मरने के शौक है ऐसी मरनी मरो ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मरनी गोरख मर जीठा गोरख मर गोरख 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 मर फिर जीठा वो वाली मरनी मरो ये गोरख का है वो वाली मरनी मरो जिसको मरने के बाद जैसा मरने के बाद गोरख दोबारा जिंदा हो गया मर जीठा मर के जिंदा हो गया हम तो मुर्दा ही हैं अपने आप को जिंदा समझते हैं वो कह रहे हैं वो वाली मरनी मरो जिसके बाद असली जीवन शुरू हो जाता है अभी तो तुम मुर्दा हो तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो सिर्फ कंडीशन मशीन हो सिर्फ कंडीशन मशीन हो वो कह रहे हैं मरो मरने में बहुत मजा है एक बार मर जाओ फिर असली जिंदगी शुरू होगी ऐसी मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर जीठा मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा तो वो तुम हो पूरे तुम ईगो के अलावा कुछ हो नहीं तो मरना विजडम में बहुत सेक्रेड शब्द है सारी कोशिश ही है किसी तरह से मर जाऊं बस किसी तरह से मर जाऊं क्योंकि तुम जहां बैठे हो तुम्हारी जिंदगी में तो कोशिश के अलावा कुछ है नहीं तो वो भी हमने कहा था ना ध्यान भी पहले विचार होता है
शुरुआत वहीं से होगी, मैं इसको बिल्कुल जब अटेंशन तक, ये तुम्हें लगता कहाँ है बेटा, मेरे बताने से थोड़ी हो जाएगा, जिस क्षण तुम्हें ये लगे कि मुझे वास्तव में सब मिला उस क्षण तुम वैसे भी कोशिश नहीं करोगे, पर अभी तुम्हें क्या लगता है लगातार कि नहीं मिला है, तो अभी तो कोशिश ही करो। पर वो कोशिश दो दिशाओं में जा सकती है, एक दिशा ये होती है कि नहीं मिला है तो और पा लूं, एक डिग्री और ले लूं, थोड़े पैसे और ले लूं, और दूसरी कोशिश ये होती है कि इस ना मिलने में सच्चाई कितनी है मैं इस बात को जानूंगा। कौन कह रहा है कि नहीं मिला है, ये किसको इतनी भूख लगती है, ये है कौन? बॉडी क्या, ये भी समझना पड़ेगा ना, बॉडी और मन कोई अलग चीजें थोड़ी हैं। स्पेस अगर मन है तो बॉडी कहाँ है? स्पेस। तो बॉडी भी क्या है? तो आपने एक तरह से एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, जिसको ऑक्यूपाई कुछ नहीं कर रखी, आप स्पेस प्रोजेक्ट करते हो, स्पेस कोई होती थोड़ी ही है, स्पेस कोई है थोड़ी ही। जैसे आपने वो पेंटिंग बनाई ना, मैंने बात इतनी ही बोली थी कि पेंटिंग बनाई, पेंटर ने खुद ही और डर गया। अब मैं उससे आगे की एक बात बोल रहा हूँ, वो पेंटिंग जिस स्पेस में बनाई जाती है वो स्पेस भी तुम ही बनाते हो, ये कमरा और कहीं नहीं है, तुम्हारे दिमाग में खोपड़े में है, तुम इस कमरे में नहीं हो, ये कमरा तुम में है। तो बॉडी मत पूछो कि बॉडी मरती है कि नहीं मरती, बॉडी है ही नहीं, बॉडी है ही नहीं, ये सब कुछ हम एनर्जी का खेल है, मैट्रिक्स वाले एनर्जी वगैरह, तो ये सब एनर्जी भी तब होती है जब स्पेस हो। एनर्जी का क्या अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो तुम कहते हो एनर्जी है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आ गई? एनर्जी भी नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ तुम सोच सकते हो वो सब कुछ नहीं है, माइंड के सब प्रोजेक्शन, जो भी तुम सोच सकते हो वो मेंटल है, याद रखना। तुम जिस भी चीज़ को फॉर्मूले में कैद कर सकते हो, वर्ड्स में कह सकते हो, वो सब मेंटल ही है। अच्छा, तो फिर फायदा इतना ही है कि अगर मेंटल दुनिया में रह रहे हो तो तुम यूज कर लो, कर लो यूज, पर याद रहे हमेशा, कहा था ना वो बिंदु, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, वो बिंदु बना रहे जिसको अच्छे से पता रहे कि ये सब क्या हो रहा है, उसको अच्छे से पता रहे। लेकिन जो हमने सर बात बोली, हर चीज हमारे दिमाग में, अगर आपके सामने ईंट है, ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रख रख के बना रहे हो, और वो ईंट भी आपने सोच रखी है कि वो ईंट है, तो मतलब जो जमीन हम देख रहे हैं वो जमीन है ही नहीं, तो अर्थ जो है वो अर्थ है ही नहीं, यूनिवर्स ही नहीं, अर्थ कहां से आ गया? स्पेस ही, स्पेस और टाइम ही ह्यूमन माइंड है, तो कहां से अर्थ और ईंट, तो बहुत छोटी चीज है। तो सर ये बाहर जो कुछ है, ये सब तुमने फेंक रखा है बाहर। सही, जो एक घंटे में 60 मिनट है सर, ये भी बनाए हैं सर, हो सकता है सर एक घंटे में 80 कर लो, 100 कर लो, तो बनाए हैं सर। ये स्पेस का सीन है तुमने करे से नहीं करा है। देखो, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होती है वृत्ति, अनकॉन्शियस। ये सब तुम्हारी डीपेस्ट फिजिकल कंडीशनिंग है, डीपेस्ट, इसको तुम बदल नहीं सकते। क्या तुम अपने चाहने से अपनी तीन आंखें कर सकते हो? तो फिर तुम अपने चाहने से वो बिल्डिंग कैसे बदल दोगे? ये तुम्हारी डीपेस्ट फिजिकल कंडीशनिंग है, ये बदली नहीं जा सकती, पर इसे समझा जा सकता है, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। अभी से पता है तुम्हें मुक्त हो गए हो, तो फिर क्यों कल्पना कर रहे हो कि क्या हो जाएगा? अब बर्दाश्त नहीं होता, ये यही कमी रह गई थी कि हम है ही नहीं, कि शरीर है ही नहीं, सारी बातें करके इतना सारा शरीर मैंने क्यों कमाया, ये सुनने के लिए कि मैं हूं ही नहीं, तो गड़बड़ हो गई। आपने पहले भी ऐसे कहा था कि कुछ भी नहीं हमारा, इंटेलिजेंस भी हमारी नहीं है। हाँ, इंटेलिजेंस, हाँ, हमारा बस ये विचार है कि हम हैं, उसको लेके हम घूम रहे हैं। जैसे कि एक आदमी की जेब खाली हो, पर उसको ही भरोसा दिला दिया जाए कि इसमें करोड़ों हैं,
और घूम रहा हो। हमारा बस वो है, वो विचार कि हम हैं, है कुछ नहीं, एक थॉट है कि हैं, पर मजेदार है ना, सुकून रहता है, कुछ है ऐसा लगता है, अच्छा अच्छा कुछ होगा ज़रूर। और फिर चेक भी नहीं करते हैं कि अगर ना निकला तो मेरा क्या होगा, तो इसीलिए माने रहोगे कुछ है उसमें, जीत रहे उसमें, लिमिटेड रहोगे लिमिटेड की बात कर रहे हैं। अरे भाई लिमिटेड तुम कभी नहीं सोचते, तुम ये सोचते हो कि सिक्योरिटी है, ये कहाँ कहते हो कि लिमिटेड हूँ, ये कहते हो कुछ तो है ना, सही बात, कुछ तो है जिसके लिए हम ये पक्का समझ लो, जो भी कभी अपनी ओर देखना शुरू करता है उसकी ज़िंदगी हमेशा उन लोगों से बेहतर होती है जिनको अपना कुछ पता ही नहीं है। तो कन्फ्यूजन सामने आए या पेन सामने आए या रेजिस्टेंस सामने आए या थोड़ा सा ये लगे कि यार और कोई तो परवाह करता ही नहीं, हम ही ये सब बातें क्यों सोचें। हाँ सर, जब सब चीज़ें सही चल रही हैं, सब हाँ, कुछ काम ना दुनिया, हम ऐसा क्यों हाँ, करें हाँ, हम अलग क्यों जाएं हाँ, दुनिया मस्त है, हम ही क्यों कह रहे हैं कि ये सब नकली है, ये सब हुए दिमाग पर जो, तो इन बातों को अभी थोड़े समय के लिए कहो कि प्लीज़ वेट, यू विल गेट द आंसर्स, देन यू विल ऑल्सो स्टार्ट नोइंग कि वेदर पीपल आर एक्चुअली गुड, राइट राइट नहीं, वेदर दे आर एक्चुअली जॉयफुल इन देमसेल्व्स। हो सकता है कि जो लोग ऊपर ऊपर से तुम्हें दिखते हो कि मस्त हैं, उनके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है तुम ना जानते हो। और वो आपके सामने पता नहीं कैसे सर, तो आप अपने आप में थोड़ा सा वो जो शांत, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हाँ अपना भी बोलने लग जाते हैं कि ये हो रहा है भाई, ये तो अभी बस उस सवाल को थोड़ी देर के लिए रोक दो, बोलो आई विल कम टू यू, वी आर फ्रेंड्स बट प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, आई एम बिजी विद समथिंग, ठीक है, एंड देन स्लोली you will see what the that question is the reality. Sir, जब आप right wrong को नहीं मानते, अब joy और sadness को क्यों मानते? क्योंकि joy का opposite sadness नहीं है, joy का कोई opposite होता नहीं, happiness का opposite है sadness, joy का opposite नहीं है, joy duality से बाहर है, joy वो बिंदु है जो non dual है, joy freedom truth इनके कोई opposite नहीं होते। मेरे mind में भी आती truth का कोई opposite नहीं होता। वो अलग आएगी कि अभी मम्मी मैं क्लास में बैठा हुआ था नाच पढ़ रही हूँ। ट्रुथ का कोई अपोजिट नहीं होता, जॉय का कोई अपोजिट नहीं होता। यू मीन इन क्वेश्चंस को हम मतलब बोल दें कि अभी रुक जाओ बाद में आंसर करें। इनको ये बोलो कि तुम्हारा आंसर किसे देना है, तुम क्वेश्चन हो, आंसर कौन देगा? मैं अगर कंफ्यूज माइंड के साथ आंसर दूंगा तो कैसा आंसर होगा? कंफ्यूज होगा। तो मुझे थोड़ा सा मन सुलझा लेने दो, क्योंकि आंसर तो इसी मन से आना है ना, अगर मन उलझा हुआ रहेगा तो आंसर भी कैसा रहेगा, तो तू थोड़ा सा वेट कर ले, मन सुलझा के आता हूँ। सर इसलिए मेरे अंदर सर वो ये जो आपने बात बोली ना सर, ये मैंने भी नोटिस करी, तो अलोननेस का मन ज़्यादा करता है, मतलब अच्छा लगता है मन, ये कि आप अपना ज़बरदस्ती किसी चीज़ में रख रहे हो, इट्स लाइक आपको अपने आप के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है, कुछ बात करने में नहीं है, कुछ नहीं, आप बस देख रहे हो, मज़े कर रहे हो। अभी तुम्हें पता नहीं ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि पता लगने वाला भी कौन है, किसे पता लगेगा? ठीक की परिभाषा, बहुत बढ़िया, ठीक की परिभाषा भी तो तुम्हारा मन है ना, हो सकता है ठीक की परिभाषा ही बदल जाए। तो अभी कहोगे रुक जा, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, थोड़ा इसको साफ कर लूँ, थोड़ा अपना मिरर साफ कर लूँ, तभी तो साफ साफ दिखेगा ना। कर तो रहे थे 2 घंटे से, और क्या करें, और कोई तरीका नहीं, इन सब को जान के नहीं, अपने को जान के, ठीक है, चलें।